नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। मैं मुकुंद अभी मौजूद है प्रेस क्लब में, जहां पर देश भर के जो किसानों का एक साझा मंच है संयुक्त किसान मोर्चा और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का ज्वाइंट फोरम है, ज्वाइंट फोरम पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस उसने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हालांकि ये पहली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां दोनों जो कमेरा वर्ग है दोनों का जो साझा मंच है वो एक साथ आए और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे ऐलान किए हैं जो अभी जो मजदूर किसानों की स्थिति है उसको लेकर और भविष्य में आंदोलन किस तरह चलेंगे इसको लेकर उन्होंने बात की है। इसके अलावा कल मतलब 16 तारीख को एक जलंधर के अंदर किसानों ने अपनी एक साझा एक कन्वेंशन की थी जिन्होंने भारत ग्रामीण भारत के बंद की बात की थी और यहाँ मजदूरों ने भी एक तरह से भारत बंद की बात करी, यानी शहरों में मजदूर भारत बंद करेंगे 16 फरवरी को और ग्रामीण इलाकों में किसान बंद करेंगे। तो इसी सवालों पर हमने किसान और मजदूरों के नेताओं से बात की है, समझने का प्रयास किया पूरा कार्यक्रम कैसे चलेगा और उनको इस भारत बंद करने का क्यों जरूरत पड़ा और उनके आगे का रास्ता क्या होगा। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। कृषि संकट इस समय चरम के ऊपर है और उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार किसान और मजदूर के ऊपर फोकस करे और सरकार पूरी तरीके से अडानी अंबानी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। किसानों की 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं रोज, ये आंकड़ा आप ही लोग बार बार प्रकाशित करते हैं। हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर के 10 से 20 जनवरी के बीच में पूरे देश में जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कल भी हमने उसे रिपीट किया राष्ट्रीय सम्मेलन में और उसके बाद में भी फरवरी के अंदर भी हमारा ये जन जागरण का कार्यक्रम चलेगा। इससे क्योंकि किसान सीधा जुड़ा हुआ है, हम लोग एमएसपी की कानूनी गारंटी पर खरीद की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग संपूर्ण कर्जा मुक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ में किसानों की जो सामाजिक सुरक्षा है, श्रमिकों के सब सवालों के ऊपर आया इसलिए उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम 10,000 रुपया प्रति किसान परिवार की पेंशन होनी चाहिए सामाजिक सुरक्षा की, इसको हम इस सवाल को उठाने का हम काम कर रहे हैं और इसमें साफ साफ तौर पर हम लोगों ने लिखा है जो कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कम से कम हमारे को 200 दिन का काम मिलना चाहिए 600 रुपए के ऊपर। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मिलने वाला है। मनरेगा का जो काम है वो एक बहुत जो पूरा का पूरा क्राइसिस है एग्रीकल्चर के अंदर उसके साथ में जुड़ा हुआ है, खेतीहर मजदूरों के साथ में भी वो जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक, ये भी हम लोगों का एक खास तौर पर मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा ये पूरा अभियान चलेगा। आज प्रेस क्लब में ऐतिहासिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर वर्ग के जो संगठन है उनके जो मंच का संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेट्स और सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ जो हमारा संघर्ष है उसके बारे में बात रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जनवरी 26 तारीख को पूरा देश भर में ट्रैक्टर रैली और जो व्हीकल रैली मजदूर वर्ग और किसान मिल के पूरा देश भर में करेगी, उसके पूरा देश भर में एक जनजागरण अभियान भी चल रहा है और फरवरी 16 तारीख को ग्रामीण भारत हड़ताल किसान के ओर से, उसी दिन औद्योगिक हड़ताल और जो सेक्टरल स्ट्राइक का भी निर्णय सभी ट्रेड यूनियंस लिए हैं। ये जो सरकार कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा दे रहा है उसके खिलाफ और वैकल्पिक नीतियों का इस संघर्ष को और तेज़ करने का निर्णय लिए। कल जलंधर में जो संयुक्त किसान मोर्चा का महाधिवेशन हुआ उसमें हमारे जो मुद्दे हैं खास करके जो ऐतिहासिक आंदोलन के दौर में भी हम लोग उठाए थे, एक तो समर्थन मूल्य कम से कम उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम उसको सुनिश्चित करना, उसके लिए एक कानून हो, उसके साथ साथ जो आंदोलन के दौर में बहुत से साथियों पर मुकदमे हैं उसको वापस करना, हरियाणा और दिल्ली के सरकारों से हम लोग एक डिमांड हम लोग रखे हैं कि जो किसान शहीद हुए 738 किसान उस आंदोलन के दौर में उनके लिए एक
मेमोरियल के लिए, एक स्मारक के लिए ज़मीन दिया जाए, और वो एक मुद्दा है जो लखीमपुर खेरी में जहां 5 किसान और एक पत्रकर्ता को एक कैबिनेट मिनिस्टर का लड़का का गाड़ी से रोनते हुए जो मारा गया, तो अभी तक कैबिनेट में वो अजय मिश्रा ट्रेनी है, उनको बर्खास्त करने का और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने का मांग है। ऐसे मुद्दे जो है, और जो 24 अगस्त में जो संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस का महाधिवेशन में, मजदूर किसान महाधिवेशन में जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसको लागू करने के लिए हम लोग ये संघर्ष को तेज करें। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि जब किसानों का मोर्चा बॉर्डर पे लगा था तो ट्रेड यूनियंस ने उनके सहयोग में पूरे देश भर के अंदर आंदोलन भी किए थे, हिस्सेदारी निभाई थी। इस एकता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर एक जॉइंट कन्वेंशन किए थे। उस कन्वेंशन में कुछ कार्यक्रम लिए थे, 3 अक्टूबर का ब्लैक डे और 26-27 नवंबर का महापड़ाव। उसको हम कामयाबी से दोनों मोर्चे एक साथ मिलके कर पाए। अब उसके बाद के हमने प्रोग्राम जो तय किए हैं, उन प्रोग्रामों में मजदूरों की, किसानों की, दोनों की मांगें डाल के हमने जन जागरण अभियान, और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर कल्मिनेट किया जाएगा 16 फरवरी को इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, सेक्टोरल स्ट्राइक और ग्रामीण भारत बंद में। ये पूरे देश में किसानों और मजदूरों की मांगों के लिए माहौल तैयार करना है कि हमारी मांगें इस देश के राजनीतिक शक्तियों से ये हैं, इसलिए जो इन मांगों की तरफ बढ़ेगा, साथ चलेगा, उन्हीं को सपोर्ट मिलेगी, और सत्ताधारी जो कुचलते आए हैं मजदूरों और किसानों की मांगों को, उनको सबक सिखाया जाएगा। इसमें हम मजदूरों की मांगों में हम न्यूनतम वेतन 26,000 कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो इनफॉर्मल या फॉर्मल सेक्टर दोनों हैं, संगठित या असंगठित, सबको सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, सबको पेंशन होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन की बहाली होनी चाहिए, नई पेंशन स्कीम को स्क्रैप किया जाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर जिनको वाइंड अप किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसको रोका जाना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कमज़ोर किया जा रहा है, वो उस पर रोक होनी चाहिए, जितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं उनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, उसकी तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, और इसी तरीके से जो मनरेगा वर्कर है उसके दिनों को 200 किया जाए, उसकी पगार को 600 किया जाए, ये मांग भी हमने उठाई है।